मेरी किताब कहाँ चली गई? रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो, मैं इन आँखों में जो रहूँ तो, तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं, याद करो मेरी ये दीवानगी कभी ना होगी कम, जितने भी चाहे तुम कर लो सितम, मेरी ये दीवानगी कभी ना होगी कम, जितने भी चाहे तुम कर लो सितम, मुझसे बोलो या ना बोलो, मुझको देखो या ना देखो, ये भी माना मुझसे मिलने आओगे नहीं, सारे सितम हंस के मैं सहूं तो, रूठ न जाना तुमसे कहूं तो। प्रेम के दरिया में लहरें हजार, लहरों में जो भी डूबा हुआ वही पार, प्रेम के दरिया में लहरें हजार, लहरों में जो भी डूबा हुआ वही पार, ऊंची नीची नीची ऊंची नीची ऊंची ऊंची नीची, लहरों में तुम देखो कैसे आओगे नहीं, मैं इन लहरों में जो बहूं तो, रूठ न जाना तुमसे कहूं तो, तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं, रूठ न जाना तुमसे कहूं तो, मैं इन आँखों में जो रहूं तो। तुमसे कहूं तो, मैं इन आंखों में जो रहूं तो। राजमाता, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। लाखन का इतनी रात को रानी बो के कमरे में होना और उसकी वजह से छोटे कुंवर जी और रानी बो में झगड़ा होना अच्छी बात नहीं है। राजमाता, क्षमा कीजिए छोटी कुंवर रानी जी, मुझे लगा राजमाता है। हे भगवान, हमें तो लगा था हमारा परिवार एक आदर्श परिवार है। क्या जो आप कह रही हैं वो सच है? हाय हाय, हमारे घर में इतनी बदचलनी हो रही है और हमें कुछ पता ही नहीं। यशोदा,
हमें क्या पता था कि हमारी बहू क्या गुल खिला रही है। हम तो उसे सावित्री बनाकर अपनी बहू बनाकर लाए थे। अब हमें क्या पता था कि उस सावित्री ने एक और सत्यवान पाल रखा है। यशोदा, हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं। आपको हमारी कसम, आप ये बात ना तो राजमाता से कहेंगे ना किसी और से, वरना हमारी बहू की बच्चलनी का दाग जो इस घर की इज्जत पर लगेगा वो कभी नहीं हट पाएगा। देखिए, आपको भगवान की कसम, आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। देखिए कुंवर रानी जी, ये बात सिर्फ आपके परिवार की नहीं है, ये बात राजमहल के सम्मान की है, रिश्तों के सम्मान की है, और जो हो रहा है उसे रिश्तों पर कलंक लग रहा है। हमने आज तक कोई बात राजमाता से छिपाई नहीं है। हमें अभी जाकर राजमाता को सब बताना होगा। आप सच कह रही हैं। आपने तो हमारी आंखें खोल दी। हम खुद जाकर राजमाता को सब सच बता देंगे। शाबाश यशोदा, शाबाश। आप तो इस राजमहल की असली वफादार निकली। हम अभी खुद जाकर राजमाता को सब कुछ सच बता देंगे और उस आदमी को धक्के मार मार के इस महल से बाहर निकलवाएंगे। ये आप क्या कर रही है? दरवाजा क्यों बंद किया आपने? क्या पूछा आपने कि हम क्या कर रहे हैं? अरे यशोदा, आपको आपकी वफादारी का इनाम दे रहे हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। यशोदा, आपको ही तो चिंता रहती है कि किसी भी रिश्ते पर कोई कलंक ना लगे, तो हम आपको सारे रिश्तों से ही मुक्त कर देंगे। बड़ी रानी माँ ने सही कहा था, सिंहासन रक्त मांगता है। आज इस सिंहासन पर पहली बलि चढ़ी है। मौत का खेल तो अभी शुरू हुआ है और ये खेल तब खत्म होगा जब हमारे पति चंद्रवदन राजा बनेंगे और कुकिलर रानी। क्या नई साजिश लेके आई है गुरु जी? अब तक आपने जो भी साजिश की फेल है गई। इस बार नहीं होगी मिस्टर विल्किंसन। अब लड़ाई आमिर कोर्ट के लिए नहीं है, अब लड़ाई हमारी माँ के सम्मान की है। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी अपनी माँ के लिए जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। लड़ाई आपके और राणा जी के बीच में है, मैं आपका साथ ये दे। अगर हम जीत गए तो आमिर कोर्ट के राजा हम ही बनेंगे, पर आमिर कोर्ट पर राज आपका भी तो चलेगा। हम दोनों मिल भी गए फिर भी राजमाता और उसके वफादार
जब तक महल में है हम कुछ भी नहीं कर सकते। सुनो, राजकुमारी को आराम की सख्त जरूरत है। आनी, मैं यहां हूं राजकुमारी जी। आप क्या करने आए हो यहां? जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारा जी नहीं भरा क्या? राजकुमारी जी, जो हुआ ना वो चीते को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चले जाओ यहां से। सच? इसलिए मेरी खातिर आपने अपनी जान जोखिम में डालती थी? आपको परवाह नहीं है ना मेरी? राजकुमारी जी, होगी भी कैसे, आखिर हम आपके हैं कौन? आपको एक बात बताऊं राजकुमारी जी, बचपन से लेकर आज तक लाखों को मारने वाले 100 हाथ तो देखे हैं। लेकिन ये पहली कलाई है जिसने लाखन के लिए अपना खून बहाया। महाकसम, जो खून आपने बहाया है ना उसकी एक एक बूंद लाखन पर उधार है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, जब तक मैं इस महल में हूं ना आप पर आज तक नहीं आने दूंगा मैं। ये वादा रहा मेरा आपसे। गायत्री, हम बचपन से सुबह जल्दी उठकर उगते सूरज को देखते हैं, पर आज हम सुबह जल्दी उठकर चांद को देखते रहे, अपने चांद को। आपको पता है कि आप नींद में भी मुस्कुराती हैं, और जब मुस्कुराती हैं तब पता चलता है कि परियों की सारी कहानियां झूठी नहीं होती। कभी कभी किसी खुश नसीब को कोई परी मिल ही जाती है। हमने आपको इसलिए नहीं जगाया कि जगाते तो पकड़े जाते। हमें डाक बंगलों में जरूरी काम था इसलिए जाना पड़ा, पर शाम तक लौट आएंगे और उम्मीद है कि शाम को हमारी परी हमारे दिए हुए तोहफे को पहन के तैयार होंगी। आपका राणा जी। रानी जी, आपके लिए फोन है। हेलो, माँ,
तेरी तो आवाज सुनने की आस भी मैं छोड़ चुकी थी बेटा। आप मुझे माफ कर दे, मैं जानती हूं मैंने तेरा दिल दुखाया, पर मैं मजबूर थी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। माँ कुछ कहने की जरूरत नहीं है गायत्री, तूने जो किया उसके बारे में पूरे आमिर कोर्ट को पता है और पूरा आमिर कोर्ट तुझ पर गर्व करता है। हम भी। तूने सिर्फ अपने सुहाग की रक्षा नहीं की बल्कि पूरे आमिर कोर्ट की रक्षा की। हमने तो अपनी भोले भाली गायत्री को विदा किया था। पुरानी गायत्री देवी कब बन गई पता ही नहीं चला। बस भगवान करे अब तेरे और राणा जी के बीच कोई संकट नहीं है। माँ मैं भी रखती हूँ, बाबूजी वापस आ जाए तो मुझे बताना, मैं आप सबसे मिलने आऊंगी। अपना ख्याल रखना। माफ कर दीजिए रानी जी। कोई बात नहीं, पूजा की थाल गिरना अच्छा शगुन नहीं होता। हे अंबे माँ, अब कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, राणा जी की रक्षा करना। क्या हो राम सिंह, गाड़ी क्यों रोकी? हुकुम, सड़क पे कोई औरत बेहोश पड़ी है। जाके देखो कि वो ठीक है।